बरसात की विदाई के एक माह बाद पहाड़ों पर मौसम का रुख बदलने वाला है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसका असर मैदानी इलाकों पर स्पष्ट रूप से नजर आने वाला है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ेगी। मौसम विभाग ने कहा कि इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 2 और 3 नवम्बर से हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बारिश की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ती जाएगी। दिल्ली में 6 नवंबर तक सुबह के वक्त धूंध नजर आने वाली है। वहीं तमिलनाडु में 5 नवंबर तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम सहित पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। आज के मौसम की संभावित गतिविधि, स्काईमेट के अनुसार आज बुधवार को दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश संभव है। तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सिक्किम और जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। 24 घंटों के बाद दक्षिणी ओडिशा में हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर जारी रहने की उम्मीद है। अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ देखा जा रहा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। बांग्लादेश पर एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है।